स्टूडेंट्स बेटाज PYQ सीरीज में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें 2013 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का। अ करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो करंट लूप अगर कोई है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -mv cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू ज़ीरो होता है तो यू की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? -mv, और थीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री है तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? mv। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, और इस केस में क्या पोटेंशियल एनर्जी आपकी? कम है। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती तो उस समय कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? अनस्टेबल सिचुएशन में होता है। तो यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और यह पहला केस क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन इज स्टेबल वाइल द अदर इज अनस्टेबल। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, इट इज स्टार्ट विद एन इनिशियल एक्सेलेरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट, देन इट इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ विद ए स्पीड वी नॉट, इट मूव विद एन इनिशियल एक्सेलेरेशन 3a0 टूवर्ड्स वेस्ट, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम आर। ये आपको दे रखा है, ये है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। प्रोटॉन को जब रिलीज किया जाता है तो इस डायरेक्शन में ए नॉट एक्सेलेरेशन से मूव करता है, और जब इस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन वी नॉट से प्रोजेक्ट किया जाता है तो एक्सेलेरेशन 3a0 हो जाता है, 3a0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, जब पहले सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन में जब आपका उसको रिलीज किया जाता है तो फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है? m into a होता है, है ना। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यूज क्या होगी? प्रोटॉन है e into q, तो फोर्स एफ इक्वल टू m है, तो m मान लीजिए ए नॉट एक्सेलेरेशन दे ही रखा है, e और q की जगह पे आपका प्रोटॉन हो गया। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव। तो आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हो जाएगा m a0 upon small, ये आपका हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, पहले ए नॉट एक्सेलेरेशन से चल रहा था और जब इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया तो 3a0 हो गया, तो नेट एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? ए नॉट से 3a0 हुआ तो आपका ये 2a0 हुआ। ठीक है, 2a0, और ये किसकी वजह से हो रहा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा। तो एफ इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स लगाओ, qvb। ठीक है, थीटा तो 90 हो गया आपका, तो यहाँ से एफ एम की वैल्यूज m a0, यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 2a0, क्योंकि एफ ई आ जाएगा, वेलोसिटी वी नॉट दिया है, बी हो आपका हो गया, तो बी इक्वल टू क्या आ गया? 2m a0 upon e v0। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट होगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम इज बेंट इन फॉर्म ऑफ एन आर्क एज शोन इन द फिगर, द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी। चलिए देखा जाए, एक आर्क के फॉर्म में ऐसे बेंट कर दिया गया है ना, ये मैग्नेट को ऐसे बेंट किया गया, और यहाँ से ये आपको आर दे रखा है, ये चूंकि रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस बराबर है ना। तो अगर मैं इसको देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है तो ये हमें चाहिए बेसिकली, ये लेंथ, तो ये आपका 60 डिग्री दिया है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये आपका एक तरह से आइसोसेलिस ट्रायंगल बनेगा। यहाँ परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया तो ये आपका आर दिया हुआ, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा आपका? ये 30 है, तो ये आपका हो जाएगा r sin 30, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये हो गया r sin 30। ठीक है, और उतना ही ये भी हो जाएगा r sin 30,
तो यह लेंथ नई क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ मैग्नेटिक आपको पता है कि एम इक्वल टू होता है स्मॉल एम इंटू लेंथ बिटवीन द पोल्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2R sin 30, तो sin 30 1/2 हो गया, तो यह वैल्यूज कितनी हो गया एम इंटू आर, ये आपका हुआ। लेकिन इस पूरे की जो आपको लेंथ दे रखी थी जिसको बेंड किया गया था उसकी एल दे रखा है, तो ये निकाल लेते हैं हम लोग। सिंस आर इक्वल टू क्या होता है रेडियस इनटू एंगल, ठीक है, तो आर कितना दिया हुआ था इसका, एल रेडियस आर और एंगल कितना दिया π/3, तो आर की वैल्यूज कितनी हो गई एल और अपॉन π/3, तो ये जगह 3/π, ये आर यहाँ पुट कर दो इक्वेशन वन में, तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा स्मॉल एम इंटू 3L/π, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से ये इक्वेशन टू कर लिए। अच्छा जब ये पहले सीधा रहा होगा एल लेंथ रहा होगा उस केस में इसका एल लेंथ रहा, इनिशियली क्या था बेटा एल लेंथ था इसका, और उस केस में डाइपोल मोमेंट इसका कितना होता एम इंटू एल, ठीक है, तो एम इंटू एल को हम क्या ले सकते हैं पहले केस में, तो ये न्यू हुआ ना बेटा, इसको न्यू बल्कि डैश कर लो न्यू डैश, ठीक, तो ये तो ओरिजिनल था आपका, तो इसका मतलब इसको हम ले सकते हैं एम इंटू एल के जगह पे कैपिटल एम, तो 3M/π, सॉरी ये आपका पाई होगा, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन देखिए कोई दिया होगा बी ऑप्शन करेक्ट, ये समझ में आया। पहले सीधा बार था तो उसका डाइपोल मोमेंट ये था, और जब इसी को बेंड कर दिया गया तब नया डाइपोल मोमेंट एम डैश कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स ए ओ बी एंड सी ओ डी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर विद वन अदर सच दैट ओ इज़ दियर कॉमन पॉइंट फॉर द टू, टू वायर्स कैरीज I1 एंड I2 करेंट रेस्पेक्टिवली, पॉइंट पी इज लाइंग एट ए डिस्टेंस डी फ्राम ओ अलॉन्ग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वायर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। बेसिकली बेटा ये दो वायर्स हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मान लीजिए एक एक्स डायरेक्शन में है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, एक वाई डायरेक्शन में है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका हो गया O, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है I2, ठीक है, और जो पॉइंट दिया है इसके परपेंडिकुलर दिया है, इसका मतलब हवा में होगा 3D में, लेकिन हम लोग इसको इधर बना लेते हैं क्योंकि 3D में तो फिगर आप देखेंगे कैसे होगा, ये डिस्टेंस दे रखा D। अच्छा वायर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा, मान लीजिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से B1 है, इसकी वजह से B2 है, तो B1 एंड B2 बोथ आर परपेंडिकुलर, ये होंगे परपेंडिकुलर, B1 B2 परपेंडिकुलर होगा, तो B1 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी पहले कैलकुलेट कर लिए, कितना होता है फॉर्मूला किसी वायर से डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2π I/I1/R, तो डी डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से B2 कितना हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2π I2/D, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2π और अंडर रूट के अंदर ये डी भी कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फिग्रेशंस, ईच मैग्नेट हैज़ ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, विच कॉन्फिग्रेशन हैज़ द हाइएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बेसिकली कुछ फिगर्स दे रखे हैं,
लेकिन फिगर आपको पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको एक तरह से वेक्टरली सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहला वाला जो फिगर है उसमें दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो 90 ये फॉर्मूला होता है वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। बस थीटा को आप चेंज करते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो पहले केस में थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा क्या आएगा, एम रूट टू आएगा। सेकेंड केस में कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि इस केस में थीटा कितना दे रखा है, 180 डिग्री, और दोनों इक्वल हैं। तीसरे केस में कितना आ जाएगा आपका, एम अंडर रूट ये आएगा सॉल्व करने पर, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा एम अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री, और चौथे केस में आपका आएगा एम अंडर रूट थ्री। तो किस केस में मैक्सिमम है, थर्ड केस में मैक्सिमम है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बस वेक्टरली इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये कई बार पूछा जा चुका है, पहले भी 2 बार करा चुके हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेक्स एन रेवोल्यूशन पर सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड। आपने पढ़ा होगा वी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई आर होता, आई बाई, ठीक है। अब आई इक्वल टू क्या होता है, बताया जा चुका है क्यू आई टी, या आपको बताया गया था क्यू इंटू एफ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इंटू ई इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपके क्वेश्चन में एन दे रखा है तो ई इंटू एन हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर लीजिए म्यू नॉट, और आई की जगह हो जाएगा ई एन अपान 2 R, ये बी की वैल्यू है ये, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये आपका 3D में है क्वेश्चन। वायर कैरिंग करंट I हैज़ द शेप एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, लीनियर पार्ट ऑफ द वायर आर वेरी लॉन्ग एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाइल सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस आर इज लाइंग वाई जेड प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। बेसिकली एक फिगर दे रखा है बेटा, ये फिगर कुछ इस तरह से, इधर वो आपका वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है ना, और ये कुछ सेमी सर्कल दिया है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है इसमें, और ये आपका ऐसे दिया हुआ है, ये आपस में पैरेलल है ना, और इधर आपका एक्स एक्सिस दे रखा है इस डायरेक्शन में, ये आपका एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये दोनों वायर्स, ये ध्यान रखना। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो 3 पार्ट में निकालेंगे, तो पहले सेमी सर्कल का निकाल लीजिए है ना, और ये इन्फाइनाइट वायर का, इन्फाइनाइट वायर का ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं दोनों वायर, तो इसका मतलब, और ये देखिए किस प्लेन में है, बेसिकली एक्स वाई प्लेन में है ये वायर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, माइनस जेड डायरेक्शन में, ठीक। और ये सेमी सर्कल किस में है, ये आपका वाई है एक्सिस, ये दे रखा है आपके क्वेश्चन में, ये वाई एक्सिस है, तो वाई जेड प्लेन में है, तो इसका मतलब ये इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब इन दोनों को सिंपली क्या करना, ऐड करना, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वायर की वजह से कितना होगा, देखिए, और यहाँ इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है ना, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, दोनों वायर वाला जुड़ेगा, एक वायर से कितना होता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान क्या होता आर, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी, रेडियस के इक्वल है तो आर हो गया, तो दोनों वायर से कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आई हो जाएगा, समझ में आ रही बात, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट अपान पाई आई बाई आर, और किस डायरेक्शन में है, बेसिकली ये एक्स जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वेक्टरली आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट अपान पाई आई अपान आर, और यहाँ पे जेड डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं बेटा, के कैप, ठीक है,
इसको मान लेते हैं बी वन, और सेमी सर्कल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा आपका बी टू, तो ये आपका आ जाएगा सेमी सर्कल वाला पार्ट, दोनों वायर से तो ऐड हो गया ये, ठीक है कैलकुलेशन ना, एक मिनट इस कैलकुलेशन को सेकंड पार्ट में देखा जाए कि कैसे सेमी सर्कल का कैलकुलेट। सेमी सर्कल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैसे फुल सर्कल का, सर्कल क्या लूप, पूरे लूप का तो आपको याद ही होगा कितना होता है ना। तो उसी का क्या हो जाता है आपका सेकंड जो केस आपका होगा वह बेसिकली जो फुल लूप का कितना होता है बेटा, पूरे लूप का यहाँ लिख देता हूँ, फुल लूप का कितना होता है म्यू नॉट आई बाई टू आर होता है पूरे लूप का, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी सर्कल के केस में क्या होता है म्यू नॉट बी सेमी सर्कल, ये आपका होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ठीक है, फोर पाई चाहे पाई कैंसिल कर लो, वैसे आई अल्फ़ा होता है तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं पाई, तो ये आएगा एक्चुअली में रिजल्ट फाइनली क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन फोर आई अपॉन आर, ये आता है ठीक है सेमी सर्कल का। तो इस वाले में करंट आपको वही है, अब इन दोनों को सीधे क्या कर लेना, अच्छा इसका ये किस डायरेक्शन में आएगा माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप कर लो और यहाँ नेगेटिव कर लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट, अब इसको जब दोनों को ऐड करेंगे बी वन और बी टू को तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है रेक्टेंगुलर क्वायल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर एंड ब्रिज 0.1 मीटर हैविंग 50 टर्न्स ऑफ वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.2 वेवर पर मीटर स्क्वायर। द क्वायल कैरीज अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर। इफ द प्लेन ऑफ द क्वायल इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द टार्क रिक्वायर्ड टू कीप द क्वायल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इज। बेसिकली यहाँ पे थीटा आपको ध्यान देना है, थीटा 30 डिग्री नहीं होगा, टार्क निकालना है, तो टाउ इक्वल टू क्या होता है बेटा आपको एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ठीक। एम कितना दे रखा है लेंथ तो इतना, ब्रेथ दिया तो ये एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज रख लेते हैं एन आई ए बी साइन थीटा। नंबर ऑफ टर्न कितना दिया हुआ है इसमें बेटा 50 टर्न पुट करते हैं। करंट कितनी दे रखी है 2 एम्पियर, ठीक। एरिया कितना दे रखा है निकाल लेते हैं 0.12 इंटू मीटर में ही, हाँ ठीक है, इंटू 0.1। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ इस केस में 0.2, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू ध्यान रखना बेटा इस केस में थीटा आपका 30 डिग्री नहीं होगा 60 डिग्री, वो प्लेन से दिया है, तो ये हो जाएगा साइन 60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये वैल्यूज़ कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 0.20, टाउ इक्वल्स टू आएगा 0.20 न्यूटन मीटर, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा पहले भी बताया जा चुका है, 2012 में आया हुआ था, ठीक है, तो 2012 का ही क्वेश्चन है। बेसिकली अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ इंटर इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी मूविंग एट राइट एंगल टू द फील्ड। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर बोथ द पार्टिकल इज इक्वल एंड द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। आपको याद होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वह अल्फा पार्टिकल का और प्रोटॉन का दोनों क्या आया था, इक्वल आया था, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यह रिपीटेड क्वेश्चन है 1 MeV, ये कब आया हुआ क्वेश्चन, 2012 का क्वेश्चन है बेटा, रिपीट है,
पीछे कराया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज स्टडी करेंट आई, द करेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश एट रेडियल डिस्टेंस ए बाई टू एंड टू ए रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर इज। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका क्या पूछा गया, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश, मतलब बी अपॉन बी डैश ये पूछा जा रहा है ना। तो बी आपसे ए बाई टू एंड टू ए, तो बी की वैल्यूज़ आपकी, ध्यान रखिएगा ये वायर कुछ इस तरह का है, ये है ना बेटा, ये इसका रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है इसका, करंट आई फ्लो कर रही है, ए दिया हुआ है ना, और इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक यहाँ पे ए बाई टू पे चाहिए और एक बाहर पे चाहिए टू ए इस वायर के, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इन साइड में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इस केस में सॉलिड वायर में कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, इसका रेडियस अगर हम आर लेते हैं कैपिटल आर तब का ये फार्मूला, और आर क्या होता है, आर इज़ द डिस्टेंस जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपका म्यू नॉट अपॉन टू पाई और करंट तो आई ही फ्लो कर रही है इसमें भी, है ना, और रेडियस कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर, और कितने डिस्टेंस में निकालना है, पहले ए वाई टू पे, तो ए अपॉन टू हो गया, है इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए, और आउटसाइड के लिए तो वही पुराना ही फार्मूला होता वायर का, आउटसाइड के लिए म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई बाई आर जो आप जानते हैं आई बाई आर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई करेंट आई और आर के जगह पे कितना हो जाएगा, कितने डिस्टेंस आप निकालना चाह रहे हैं, ये आपका टू ए डिस्टेंस है, तो ये आपका हो जाएगा टू ए। अब दोनों का जब रेशियो आप लेंगे, ये हो गया आपका साल हो कि म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई ए। ठीक है, तो दोनों तो बराबर ही आ रहा भाई, बी और इन साइड का इक्वल टू बी आउट साइड, तो इसका मतलब रिशू वन आ जाएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये पहली बार क्वेश्चन पूछा गया इस तरह का। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वायर कैरिंग ए स्टडी करेंट इज बेंट इन टू ए सर्कुलर लूप ऑफ वन टर्न, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, इट इज देन बेंट इन टू सर्कुलर क्वाइल ऑफ एन टर्न्स, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्वाइल ऑफ एन टर्न्स विल बी। अच्छा, कह रहा है लूप लॉन्ग वायर कैरिंग स्टडी करेंट इज बेंट इन टू ए सर्कुलर लूप ऑफ वन आवर, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई टू आर। ठीक है, मान लीजिए जो वायर था, लेट वायर ऑफ लेंथ एल, इसमें चेंज किया आपने पहले केस में, ठीक है, तो आर वन मान लेते हैं, इसको ही क्वेश्चन वन कर लेते हैं, तो इसका मतलब जो लेंथ होगा ये टू पाई आर के बराबर होगा, तो टू पाई आर वन इक्वल टू एल, तो यहाँ से आर वन की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, एल अपॉन टू पाई, इसको लिख लेते हैं ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड केस में इट हैज बेंड इनटू सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स, एन टर्न्स का जब करेंगे तो टू पाई आर टू इंटू एन इक्वल टू क्या आएगा, एल, तो सेकेंड केस में आर टू कितना आ जाएगा, एल अपॉन टू पाई एन। ठीक है, तो कह रहा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस क्वाइल ऑफ एन टर्न्स विल बी, तो सेकेंड केस में कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू आर होता है, तो एन आई अपॉन टू आर टू। ठीक है, तो नए केस में इसको मान लेते हैं बी टू, और ये आपका हो गया बी वन, तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई और टू आर टू की वैल्यूज कितनी हो गई, एल अपॉन टू पाई एन, तो टू पाई एन तो ऊपर चला जाएगा, तो टू यहाँ से कैंसिल हो गया, है ना,
और ये हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई बाई एल, ठीक है। अच्छा, बी के टर्म में, बी वन के टर्म में निकालना बेसिकली, पहले वाले के टर्म में। तो पहले म्यू नॉट एन आई बाई टू आर वन, तो इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी देखा जाए पहले वाले केस में। ये देखिए, इसको सॉल्व किया जाए, फर्स्ट केस में ये जो इक्वेशन वन था, आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपान टू आर वन की वैल्यूज कितनी है, एल अपान टू पाई, एल यहाँ हो गया और टू पाई, तो टू तो कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट पाई आई अपान एल, तो इतने के बी वन लिख लीजिए, ठीक है। म्यू नॉट पाई आई, म्यू नॉट भी है ये आपका पाई है और आई, इसके जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो एन स्क्वायर बी आपका आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन कोई दिया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों को रिलेट करना था। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला, इफ द वैल्यू ऑफ ई वाई एम इज दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी निकालना इसमें। तो आपको पता है कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा पाथ करेगा, सर्कुलर पाथ। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू बी बाई क्या हो जाएगा, टू पाई एम। तो सब कुछ तो आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ये ई हो गया, ई बाई एम ये हो गया, और बी अपान क्या आ जाएगा, टू पाई, सारी वैल्यू रख लीजिए, ई बाई एम कितना दे रखा है आपका, 1.76 इंटू 10 पावर 11। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 3.57 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 2 पाई, तो 2 इंटू 3.14, तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 GHz, ठीक है। ये वैल्यूज आपकी आएगी, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, इसका ऑप्शन होगा ए फॉर डाया मैग्नेटिक मटीरियल, फॉर डाया मैग्नेटिक ठीक है, तो ये आपका हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट इज हंग बाय ए थिन कॉटन थ्रेड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री इज डब्ल्यू, नाउ द टार्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजिशन। पहले इक्विलिब्रियम स्टेट में था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल -m × b, और फाइनल कितने पे चाहिए आपका, 60 डिग्री पे, तो -mb cos 60, ये आपको आ जाएगा -mb/2, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल में चेंज करना, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, u final - u initial, ये आपका कितना हो जाएगा, mb/2 आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वर्क डन की वैल्यूज कितना दे रखा है, W, यही तो है आपका, तो इसका मतलब mb = कितना हो जाएगा, 2W के समान कर लो। अब आपसे पूछा जा रहा है टार्क, तो tau = क्या होता है, mb, और आपका हो जाएगा sin 60, फाइनल पोजीशन पे रखना आपको। तो ये mb की वैल्यूज कितनी दे रखी है, आ गया ऊपर इक्वेशन वन से 2W, और sin 60 पर √3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो w √3, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 250 टर्न्स रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1.25 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट 85 माइक्रो एम्पियर एंड सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.85 टेस्ला, वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉयल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क, वर्क डन पूछा जा रहा, ठीक है। 180 डिग्री, तो थीटा वन आपका कितना हो गया 0, थीटा टू कितना हो गया 180 डिग्री, आपसे पूछा जा रहा वर्क डन। तो W का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mb cos θ1 - cos θ2, ये हो गया आपका mb cos θ1, क्योंकि cos थीटा, ये थीटा वन के लिए 0, तो cos 0 1, और ये 2 हो गया आपका, एक तरह से आप कह सकते हैं ये आपका आएगा 2 mb आपका आ गया,
अब इसको सॉल्व करिए, तो 2m का मतलब क्या होगा, एन आई ए बी, एन आई ए बी आपका हो गया है ना। तो अब यहाँ सारा डेटा रख लीजिए, 2 नंबर ऑफ टर्म कितना दे रखा है, 250, एरिया कितना दे रखा है, ये सब सेंटीमीटर में है, तो 2.1 इंटू 10^-2 इंटू 1.25 इंटू 10^-2, तो एरिया आ गया। और करंट कितना आ जाएगा, इंटू 85 माइक्रो एम्पियर दिया है, तो 10^-6 इंटू आपका मैडीफील 0.85 दिया, 0.85, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 9.1 माइक्रो जूल, ये आएगा वर्क, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसका। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था आपका। अगला क्वेश्चन है, एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट आई अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द मिडिल वायर बी इज गिवन बाई। अच्छा, तीन वायर दिए हुए हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। ये डी दिया, ये डी दिया, ये करंट ऊपर, इसका मतलब है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर बी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों बराबर ही लगाएगा, ठीक है, और दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो एफ़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, अंडर रूट F1² + F2² दोनों बराबर हैं, तो ये आ जाएगा बेसिकली F√2, ठीक है, एफ डैश इसको कर लेते हैं या एफ नेट कर लेते हैं, चलो ठीक है। और एफ़ की वैल्यूज कितनी होती है, एफ फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है बेटा, F/L = μ0/2π I1 I2, दोनों में करंट सेम है, तो I² / distance d दिया हो, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक का हो गया, तो इनटू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, तो नेट फोर्स आपका आ जाएगा, नेट फोर्स F′μ0/2π I²d√2, ठीक है। तो √2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, इफ़ θ1 एंड θ2 बी द अरेंजमेंट अपेरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जेक्ट इन टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, देन द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप थीटा इज गिवन वाई। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इफ़ θ1 एंड θ2 आर अपेरेंट एंगल ऑफ डिप और अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, लेट अल्फा बी एंगल विच वन ऑफ द प्लेन मेक विथ द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो tan θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे VYH cos α, तो यहाँ से cos अल्फा कितना आ जाएगा बेटा, V/H tan θ1, इसको क्वेश्चन वन कर लो। सिमिलरली दूसरा आपका क्या आ जाएगा, tan θ2 बराबर V/H sin α, तो यहाँ से साइन अल्फा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा V/H tan θ2। दोनों इक्वेशन की स्क्वायरिंग एडिंग कर दें, स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर विद इन ब्रैकेट वन अपान टेन स्क्वायर अल्फा प्लस वन अपान टेन स्क्वायर सॉरी थीटा वन और टेन स्क्वायर थीटा टू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया वन, यहाँ हो गया वी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, यहाँ हो गया वन अपान टेन, क्या होता काट, तो काट स्क्वायर थीटा वन प्लस काट स्क्वायर थीटा टू, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपान वी स्क्वायर इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा वन प्लस काट स्क्वायर थीटा टू। और एच स्क्वायर बाई वी स्क्वायर क्या होता है, हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा वन प्लस काट स्क्वायर थीटा टू। देखिए कोई ऑप्शन इसमें दिया होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अ मेटेलिक रॉड ऑफ मास एम पर यूनिट लेंथ 0.5 केजी मीटर सेकंड इज लाइंग हॉरिजेंटली ऑन ए स्ट्रेट इंक्लाइंड प्लेन विच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग अ करंट थ्रू इट व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंक्लिनेशन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज 0.25 टेस्ला इज एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन। द करंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप इट नेसेसरी इज करंट आपसे पूछा जा रहा है। मेटेलिक रॉड ऑफ मास दे रखा है, लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन ए स्ट्रेट इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री। चलिए फिगर ही बनाते हैं, ये 30 डिग्री पे एक प्लेन है और इसी पे एक वायर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ मान लेते हैं थीटा, थीटा को 30 डिग्री दिया हुआ कर, और ये यहाँ से मान लीजिए इसका मास यहाँ से इधर कितना फोर्स लगता है आपको पता है, एम जी साइन थीटा। ठीक है, और इधर इस पे एंगल ये भी थीटा ही होगा, इधर फोर्स कितना लगेगा आई बी एल। ठीक, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक तो इधर ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर वाला आई बी एल कॉस सिक्स मतलब कॉस थीटा, आई बी एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड चूँकि इधर था, अब यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए आई बी एल कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से आई की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, एम जी साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा अपान बी एल कॉस थीटा, बी एल कॉस थीटा ये हो जाएगा एम बाई एल मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा इंटू जी टेन थीटा बाई बी, जी टेन थीटा अपान बी, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आई और कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 9.8 ठीक है अपान 0.25 और 1061 बाई रूट थ्री, ये आपका जगह 11.3 एम्पियर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, डी। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिन डाया थियोरेटिकल क्वेश्चन, अ थिन डायमैग्नेटिक रॉड इज प्लेस वर्टिकली बिटवीन द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज स्विच ऑन देन द डायमैग्नेटिक रॉड इज पुश्ड अप आउट द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हेंस द रॉड गेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस कम फ्रॉम बी ऑप्शन होगा करंट सोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप डेल्टा इक्वल टू +25 डिग्री, एट द पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज -25 डिग्री, वी कैन इंटरप्रेट द, अच्छा इसमें इंटरप्रेट करना है, इसका मतलब सी ऑप्शन होगा बेटा, ए लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बी लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, कुछ फिगर ऐसे बनेगा आप समझ सकते हैं, ये हो गया बी एच और ये वर्टिकल हो जाएगा वी वी, ये आपका आएगा बी
और ये आपका दिया है डेल्टा, पॉजिटिव हो जाएगा। और नेक्स्ट केस में आपका नेगेटिव वाला केस कुछ ऐसा आ जाएगा, बी एच बी वर्टिकल, और ये आपका बी हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। ये तो था 2019 का क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं लास्ट जो 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन देखा जाए क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें बेटा 2020 का, अलॉन्ग सॉलिनॉइड ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज ए करेंट ऑफ 2.5 एम्पीयर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सॉलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या आएगा बेटा? सर मैग्नेटिक फील्ड आपको सॉलिनॉइड में का फॉर्मूला कितना है, म्यू नॉट एन आई, ये होता है म्यू नॉट एन आई। कैसे निकालते हैं, एन अपॉन नंबर ऑफ एन बाई ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ये, इंटू आई, सारा डेटा पुट कर दीजिए, ये होता है 4π × 10⁻⁷। एन की वैल्यूज आपको 100 दे रखी है, लेंथ कितना दिया 50 × 10⁻², हो जाएगा। और करंट आपको कितना दिया 2.5, तो इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 6.28 × 10⁴ टेस्ला। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला जो इसका क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर, द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज। परमिएबिलिटी पूछा गया, आपको दिया है क्या है, देखिए इसमें काई एम दिया है आपका 599। ठीक है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक, म्यू कितना दिया है, ये हो जाएगा 600 × 4π × 10⁻⁷, तो ये आपका हो गया 2400π × 10⁻⁷, तो दिस इक्वल टू हो गया 2.4π × 10⁻⁴। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, या थर्ड ऑप्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली म्यू आर निकाला कैसे, म्यू आर की वैल्यूज भी आप देख लीजिए, ये तो हमने म्यू आर डायरेक्टली पुट कर दिया है, तो म्यू आर की वैल्यूज कैसे निकालेंगे बेटा, 1 प्लस आपका म्यू आर की जो वैल्यूज आएगी वो ऐसे आएगी, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, तो ये आपका कितना हो गया 1 प्लस, ये कितना दिया था 599, तो आपका हो गया 600, यही वैल्यूज हमने डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिया था। ठीक है, थैंक यू बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए।